अगर आप तेल के अच्छे से गर्म होने के बाद हाफ कटोरी मूंगफली डालकर लगातार चलाते रहेंगे, पटपट की आवाज़ आने लगे तो इसका मतलब हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब इनको अच्छे से झाड़ कर कढ़ाई से निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर डाल देंगे। इसी प्रकार से हाफ कटोरी काजू भी फ्राई कर लेंगे। इनको हमें हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इनको अच्छे से झाड़ कर निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर फैला देंगे। इसी प्रकार से बादाम को भी फ्राई कर लेंगे। जब इनमें पटपट की आवाज़ आने लगे तब इनको अच्छे से झाड़ कर टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब करी पत्ते को भी हमने अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से झाड़ कर एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये सारे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पैकेट मुरमुरा इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। सारे मुरमुरे पर अच्छे से मसाले की कोटिंग होने तक मिक्स करेंगे। फ्राई किए हुए करी पत्ते इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। अब फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को भी टुकड़ों में तोड़कर इनको कूटकर भी डाल सकते हैं ताकि मुरमुरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। सारे ड्राई फ्रूट को मुरमुरे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही टेस्टी मुरमुरा नमकीन बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।